सब ठीक हो जाए अपने आप। देखो एक बहुत साधारण सा दर्शन बता रहा हूं जीवन का। रोग सब तुम्हारे अंदर ही है, सब बुराइयां तुम्हारे अंदर है। बुराइयां कहीं बाहर से नहीं आती, तुम्हारे अंदर से ही आती। सब बुराइयां अंदर है, सब रोग अंदर है, सब दुख भी अंदर है, अशांति भी अंदर ही है, निराशा भी अंदर है, अज्ञान भी अंदर है, संशय भय भ्रम भ्रांति भी अंदर है। लेकिन दूसरी बात सुनो तो, आरोग्य भी अंदर है, सुख भी अंदर है, शांति भी अंदर है, ज्ञान भी अंदर है, स्वयं भगवान भी अंदर है। योग करने से अच्छी शक्तियां बढ़ जाती हैं, शैतान भी अंदर है। एक व्यक्ति कितना हैवान हो सकता है, कितना हिंसक, कितना क्रूर, कितना बेईमान, कितना भ्रष्ट, कितना दुराचारी, कितना व्यभिचारी हो सकता है, एक व्यक्ति कितना गिर सकता है, गिरावट की कोई सीमा नहीं। अरे दूसरी तरफ और भी तो सोचो, एक व्यक्ति कितना ऊंचा उठ सकता है उसकी भी कोई सीमा नहीं। योग के करने से सारी गिरावट खत्म हो जाएगी और आदमी जीवन में इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा उसको देख करके जमाना उसका अनुकरण करेगा। योग करके तुम ऐसे चमकोगे जीवन में जैसे आसमान में सूरज और चांद चमकते हैं। तुम ऊंचे उठो, ऊंचा उठने की भी कोई सीमा नहीं भाई, नीचे गिरने की भी सीमा नहीं। भोग नीचे गिराते हैं, विकार नीचे गिराते हैं, बीमारियां आदमी को नीचे गिराती हैं, बुराइयां नीचे गिराती हैं, योग जीवन में व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। यही है हमारी जीवन पद्धति, यही है हमारे भारतीय जीवन मूल्य, योग अध्यात्म, इसी के ऊपर तो टिकी भी हमारी संस्कृति सभ्यता। और जिन्होंने योग किया उनके जीवन ऐसे पावन हुए। चलो आपसे एक दो मिनट बात करता हूं और ऐसे ही तो देश बनाना है। सुबह सुबह मैं चाहता हूं पूरा देश सुबह सुबह योग कर ले तो रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, कोई नशा नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, जीवन में निराशा नहीं होगी, नकारात्मकता नहीं होगी। कितना पावन जीवन होगा और हम अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। अरे देश की दुनिया के सबसे छोटी इकाई व्यक्ति तो है, व्यक्ति अच्छा हो गया तो घर परिवार समाज सब अच्छा होगा। हमें एक आदर्श जीवन, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र की रचना करनी है, योग से ही होगा, सब कुछ योग से होगा। चलो एक बार पैर सामने खोल लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं आपसे पूछता हूं, शिव सागर वाले बहुत पहले से भी योग कर रहे हैं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जो मेरे आने से पहले ही आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, जीट नेटवर्क के माध्यम से, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई लोकप्रिय हुआ है पिछले 7-8-10 वर्षों में तो योग। और भगवान ने मुझे अकिंचन को भी सेवा का सौभाग्य दिया कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग पहुंचाने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज 200 से ज्यादा देशों के योग कर रहे हैं। इससे क्या क्या हुआ जरा आप एक नजर से देख भी लेते हैं। मैं कह रहा था ना करोड़ों लोगों की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मिली, करोड़ों लोगों की पेट की बीमारी, करोड़ों लोगों की हार्ट की बीमारी, करोड़ों लोगों की स्ट्रेस की बीमारी, और लाखों लोगों की किडनी लिवर फेल होने से बच गए। इसका यदि कुल आर्थिक मूल्यांकन करो ना, जब इतना इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने इन आजादी के 64 वर्षों में लूटा है ना, करीब 400 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है, और हमने देश और दुनिया के लोगों का कम से कम 400 लाख करोड़ रुपए बचवाया है योग करवा करके। जरा सुनना, अंगड़ियों का अंगूठों को आगे पीछे दबा लो जरा और गोल गोल घुमाते। आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका योग करके, ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करके अर्थराइटिस में जिनको फायदा हो गया, जोड़ों के दर्द में, जिनके जोड़ों के दर्द में फायदा हुआ, वो पैर हिलाए चले आता, हाथ भी उठाना, जिनको अर्थराइटिस जोड़ों के दर्द में फायदा हुआ, शिव सागर वालों को, अरे हाथ हिलाना, ये तो बिना ही पेन किलर के देखो दर्द ठीक हो गया, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, दर्द ठीक हो गया, हाथ हिलाना, ये तो बहुत बड़ी संख्या। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इनका, हजारों लोगों को अर्थराइटिस में फायदा हो गया। और अर्थराइटिस के अलावा मैं यदि दूसरा पूछता हूं तो, कितने भाई बहनों को पेट की बीमारी में फायदा हुआ, पेट की बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, पेट की बीमारी में कितनों को फायदा हुआ? एक कॉमन प्रॉब्लम है, पेट तो अच्छा हो जाता, कपालभाति करने वाले का, मंडूकासन करने वाले का पेट खराब रह ही नहीं सकता। बीपी में कितनों को फायदा हुआ? बीपी की दवाइयां बंद होगी जिनकी, और बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी में हाथ उठाने जरा,
बीपी में भी ये तो लाभ ही लाभ हो रहा है। बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, स्ट्रेस। अच्छा माइग्रेन पेन कितनों का मिट गया? माइग्रेन पेन ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हाथ हिलाना जरा जिनको माइग्रेन पेन मिटा। ये भी बहुत है, गोल गोल घुमा। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, और कोई बीमारी बचती ही नहीं है। किसी का बहुत बड़ा रोग ठीक हुआ, बहुत बड़ी बीमारी भी किसी की ठीक हुई। बड़ी बीमारी का नाम लेते ही एक लाल शर्ट वाले भाई हाथ ने खड़े कर दिया। क्या ना, खड़े हो जाओ जरा। जिनकी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई है, सामान्य बीमारी तो सबकी ठीक होती है। जिनकी बड़ी बीमारी अच्छी हुई है उनसे दो चार से पूछते हैं। एक तो हमारे सामने भाई साहब बैठे हैं, काफी उम्र वाले हैं, इनसे भी पूछते हैं। करो एक बार जरा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ये तो रोज करना ही है ना अपने को। क्या नाम भैया? ओम स्वामी जी। प्रणाम भाई। मेरा नाम ध्रुवज्योति सांगमा है। हाँ। मेरा तो CML हो गया एक साल से पहले। ओ, CML ब्लड कैंसर। हाँ जी। फिर एक साल से हम प्रणाम कर रहे हैं, जब से शुरू हुआ तब से हम प्रणाम कर रहे हैं। अब कैसा है CML? अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल, जब शुरू हुआ तब तो हमारा पूरा नॉर्मल में आ गया था। अच्छा। बाद में अभी तो पूरा थोड़ा सा बढ़ गया है, वो जो WBC काउंट है ना, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कितनी देर करते हो प्रणाम? हम तो पूरा 7:30 बजे से पूरा 7:30 बजे तक करता है हर रोज। और वो गेहूँ का जवारा? हाँ, सब पीरियड। तो थोड़ी देर बस दोनों टाइम कर लो। CML ब्लड कैंसर, पहले तो एक बार नॉर्मल आ गया था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, कभी कभी इनका प्रभाव बढ़ जाता है। कोई नहीं, अभी दोनों टाइम कर लो थोड़ी दिन, है ना। CML तो हमने हजारों लोगों का ठीक किया, आप तो सुनते रहते हो ना टीवी पर भी, पूरा रिपोर्ट हमारे पास में, 5-5, 10-10 साल से लोगों का एकदम नॉर्मल ही रहता है। तो अभी थोड़ा गिलोई भी खा रहे हो? गिलोई अमृतलता? गिलोई खा रहा है। तो दोनों अभी दोनों टाइम करते हो कि एक टाइम करते हो? दो टाइम करते हो, आ जाएगा थोड़ा बहुत। WBC अभी बढ़ गया तो वो भी नॉर्मल आ जाएगा। CML ब्लड कैंसर, उससे लड़ रहा है लेकिन अभी भाई स्वस्थ हो जाएगा। इसको लगातार करते रहना, कभी कभी ये बीच में जैसे कोई कोई चीज का विकार बढ़ जाता है, ऐसे कभी कभी कोई चीज एकदम फ्लैक्चुएट हो जाता है, लेकिन वापस फिर नॉर्मल आ जाएगा, ब्लड कैंसर भी एकदम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार सबकी प्रार्थना है इस भाई के लिए, देखो कितना हिम्मत वाला है। नहीं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद में पूरे शरीर में फैल जाता, मल्टीपल कैंसर हो जाता है। कैंसर से लेकर के बस यो करना पड़ेगा। हा? और आपको किसमें फायदा हुआ भाई साहब? ये तो बीपी में भी हाथ खड़ा कर रहे थे, और भी कई, मुझे लगता है कई बीमारियों में फायदा हुआ है। ओम जी, आपके शरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं इस शरीर, मेरा ऐसा नहीं था कोई बीमार, ऐसा इतना बीमारी था मेरे शरीर पर। नाम क्या आपका? खगेंद्रनाथ का कोटि। खगेंद्रनाथ। हाँ। तो शरीर में पूरे में बीमारी भर गया था। बीमारी का भंडार था। क्या क्या था, दो चार बताएंगे? अल्सर था। अल्सर, कम से कम 6-7 अल्सर था। 6-7 अल्सर पेट में। अल्सर था पेट में। और बीपी में हाथ खड़े किया आपने? बीपी मुझे पता नहीं था कि मुझे बीपी का, मैं बीपी का शिकार था। जब मैंने ये कंधों का दर्द था। अच्छा। कंधों का जब दर्द था तब मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला मुझे कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप और एक बीमार का शिकार है। तो मैंने पूछा क्या बीमारी है, तो उसने बोला आपका बीपी 196 ऊपर और नीचे 100 था। 196 ये तो, इसमें तो पैरालिसिस या हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकता है, इतना बीपी बढ़ जाए तो ऑर्गन फेल हो सकते हैं। दोनों हाथ कंधों पर रखो। फिर उसने मुझे दवाई लिख दिया और मुझे बताया कि आप ये दवाई ले लीजिए, उसका दवाई लेने के एक हफ्ता बाद बीपी को कम करके मेरे पास आओ, तब मैं आपको इलाज करूंगा। लेकिन मैंने तब तय कह लिया कि मैं कभी दवाई नहीं खाऊंगा। तो मैं आपका इस चैनल देख करके ये योग करने लगे, योग करना शुरू किया। मैंने अब तक, अब गुवाहाटी में
स्टेडियम में पहली बार जब आए थे उस समय भी आपका इस शिविर में ओ गुवाहाटी वाले शिविर 5 साल से कर रहे हैं। तो अभी अभी अब कोई बीमारी नहीं है? अभी कोई बीमारी मेरा नहीं है। कंधे का दर्द, अल्सर, बीपी कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपका जो शिविर लगा हुआ है गुवाहाटी में भी, मैं इस समय गुवाहाटी में भी मैं इस समय शामिल था और गौरीपुर में भी शामिल था, धुबरी में भी शामिल था, कोकराझार में भी शामिल था और आज यहाँ शामिल हूँ। किसको तो योग से पूरा जीवन ही मिल गया। उम्र कितना है खगेंद्र जी? 56। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे खुशी की बात है, मैं एक भारत स्वाभिमान का सदस्य हूँ। मैं बोला जिंदगी मिली है तो भारत स्वाभिमान के लिए, जो राष्ट्र के उत्थान का काम है उसके लिए जीवन लगा था। देखो सारे शरीर में रोग भर गया था, कोई बीमारी नहीं था जो ना हो। योग किया, मैंने कहा ना आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, आप करना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगी। चलो एक बार 5 मिनट अनुलोम विलोम और कर लो, रोज करना है ना। जिनको बहुत बड़ा बीमारी अच्छा हुआ है, एक एक व्यक्ति से ऐसे तो सब पता लग जाता है। अनुलोम विलोम कर लो, रोज करना, अपने आप ही सब पूरा शरीर मन विचार सब भीतर से अपने आप संतुलित होता जाएगा। सादर ओम नमो नारायण बाप जी। प्रणाम। मैं शिवगिरी बोल रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी है मेरे साथ में जी। मैं तो 2004 से योगा अनियमित रूप से कर रहा हूँ, जोधपुर शिविर था आपका वहाँ से। तो मेरा पत्नी पहले घर में ये देख रहा था कि सवेरे उठ के ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये माइग्रेन और हाई बीपी और हीमोग्लोबिन 20 साल से 8% से ऊपर नहीं है। अभी एलोवेरा ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, 2 महीने में अभी इनका 8% से 12% हीमोग्लोबिन है। डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल से इनका जांच करवाया, रिपोर्ट हमारे पास में है। और मैं बाड़मेर जिला राजस्थान का रहने वाला हूं और अभी पोस्टिंग मेरा इधर है, आईसीआईसी बैंक में मैं ब्रांच मैनेजर हूं जोरहट में। बहन जी अब 4% हीमोग्लोबिन बढ़ा है इनका, बहुत आशीर्वाद। बस ऐसे रोज करते रहे ना बहन, पूरा जीवन ही समर जाएगा, बहुत बहुत आशीर्वाद। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है ना। तो जो भाई बहनों को कितना ही शरीर में रोग हो जाए, बहुत दुख देते हैं रोग, कोई भी एक रोग हो जाए, कंधे में दर्द हो जाए, गर्दन में दर्द हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो चला फिरा ही नहीं जाता, सांस फूलने लगता है, काम नहीं किया जाता है। शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, एसिडियल कम है, जो अच्छी चीजें कम हो गई है और खराब चीजें जो बढ़ गई है, कुछ भी गड़बड़ी हो गई है, शरीर में गांठें हो गई है, योग से ठीक हो जाता है। करो अनुलोम विलोम करो। क्या नाम भाई आपका? स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम राधेश्याम गटानी है और मैं पत्रकार हूँ। तो मेरा कुछ साल पहले से पेट का अल्सरेटिव कोलिटिस बीमारी था, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में दूसरी टेबलेटों के साथ में मुझको प्रेडनिसोलॉन टेबलेट और कोर्टिसन टेबलेट दी थी। तो वो टेबलेट डॉक्टर बोला था तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने से खाने के लिए, तो फिर वो धीरे धीरे करते करते वो मेरा वो डेली हैबिट जैसा हो गया था, प्रेडनिसोलॉन टेबलेट छोड़ने से बीमारी ज़्यादा हो जाता था। तो उसके वजह से फिर मेरा माइल्ड स्ट्रोक हो गया। तो उससे उनके बाद में मैं नियमित योगा कर रहा हूँ। आपका स्ट्रोक होने से पैरालिसिस जैसा तो नहीं हुआ था? हुआ था। तो उसके बाद में से मैं नियमित योगा कर रहा हूँ, तो मेरा काफी जल्दी मैंने ये बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद में कोर्टिसन मेडिसिन छूट गया। अब देखो ब्रेन स्ट्रोक होने से पैरालिसिस हो गया था भाई, अब स्वस्थ हो गया है ना। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को भी किसी भी कारण से ब्रेन में क्लॉट आने से, बीपी बढ़ने से और भी बहुत से कारण रीजनिंग होती है, ब्रेन क्लॉट हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, अनुलोम विलोम कीजिए, 15 दिन में ही कवर हो जाता है, इतना जबरदस्त। एक बहन कुछ कहना चाहती है। ओम बाबा जी के चरणों में सत सत प्रणाम। मेरा नाम नीरू शर्मा है, मैं मेरा थायराइड की प्रॉब्लम थी T3 T4 और मैं रेगुलर दवाई लेती थी, पहले 3-4 साल रेगुलर दवाई थी, उसके बाद मैंने आपका प्राणायाम शुरू किया, लगातार 3 सालों से करती आ रही, अब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और मैंने दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी। कितने दिनों से बंद है दवाइयाँ? 3-4 साल हो गए तक, तब से बंद कर। जी हाँ। देखो ये इतने इससे बड़ा और क्या एविडेंस होगा? कुछ लोग कहते हैं दवाई छोड़ दोगे फिर बढ़ जाएगा। बीपी की एक बार दवाई चालू की, थायराइड की दवाई चालू की तो बंद होने का नाम नहीं लेती। क्या नाम है आपका? नीरू शर्मा। नीरू,
थायराइड की दवाई बहन ने बंद कर दी।